हेलो एवरीवन, आपका वर्चुअल ऑटिज्म चाइल्ड यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि अगर आपका बच्चा सेल्फ टॉक करता है तो आप उस सेल्फ टॉक को किस तरह से लैंग्वेज में डेवलप कर सकते हैं, और सेल्फ टॉक करना सही है या फिर गलत है, वो भी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो पेरेंट्स, आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि हो सकता है जो इन्फॉर्मेटिव जानकारी आपको मैं दूँ वो आपसे मिस हो जाए। तो देखिए, अगर आपका बच्चा सेल्फ टॉक कर रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर आपका बच्चा सेल्फ टॉक कर रहा है तो उससे वो लैंग्वेज की प्रैक्टिस कर रहा है, मतलब वो बोलना सीख रहा है, लंबे लंबे सेंटेंस बनाना सीख रहा है। देखिए, सेल्फ टॉक तो सभी लोग करते हैं, सेल्फ टॉक हम भी करते हैं, पर क्या है कि हम लोग मन में सेल्फ टॉक करते हैं, मन के अंदर ही हम पूरी बातें हम सोचते रहते हैं। जैसे कहीं पर कुछ हुआ, जैसे हम मार्केट गए थे तो हमारे मन में ऐसे विचार आते रहते हैं कि मार्केट में वो मिला था, मार्केट में वो फ्रूट मिला था या कोई पहचान वाला मिला था, तो दिमाग में चलता रहता है कि उसने क्या पहना था। तो हम लोग मन में ही सोचते रहते हैं और मन में ही हम फ्री टाइम बैठे रहते हैं तो हम वो चीज़ को सोचते रहते हैं। तो ऐसे ही इन बच्चों का है, जो उन्होंने कहीं पर कुछ देखा है तो वो मन में बोलने की बजाय वो बोलने लगती हैं जब अकेले बैठे रहते हैं। जैसे हम भी अकेले रहते हैं तो कहीं की बातें हम सोचते रहते हैं, पर हम मन में ही बोलते हैं, पर बच्चे बोल देते हैं, कोई बात मन में नहीं रखते, क्योंकि बच्चे मन के बहुत ही सच्चे होते हैं, आप तो जानते ही हैं। अब देखिए, हम लोग भी कहीं जाना होता है तो हम कुछ प्लानिंग करते हैं, हम दिमाग में कुछ चीज़ें हमारी चलती रहती, हम ऐसे सोचते रहते हैं कि हमें जाना है, बैग में बॉटल रख ली क्या, पैसे रख लिए क्या, मोबाइल रखा है या नहीं रखा है, और खाने की चीज़ रखी है या नहीं, ऐसे कुछ कुछ हमारे दिमाग में चलता रहता है कि कुछ रहना जाए, तो हम मन में ही सोचते रहते हैं। जैसे हम तैयार होते रहते हैं, हम सोचते रहते हैं कि वहाँ जाना है, ये रखना है, रख लिया या नहीं रखा, वहाँ जाकर क्या करेंगे, हमारे मन में ऐसे हमें मैरिज में जाना है, तो मन में पहले से ही हमारे फिल्म जैसी चलती रहती है कि मैरिज में जाएंगे तो सब लोग आएंगे, तो सब क्या क्या पहन के आएंगे, तो कैसा लगेगा, क्या खाएंगे मैरिज में, डांस कैसे करेंगे, तो दिमाग में हमारे चलता रहता है। पर बच्चों का क्या है, उनके दिमाग में जो चलता है वो बोलते रहते हैं, मुँह से बोलते रहते हैं, और हम लोग मन में रखते हैं। तो बस इतना ही अंतर है हमारे सेल्फ टॉक में और बच्चों के सेल्फ टॉक में। कि आपका बच्चा अगर सेल्फ टॉक कर रहा है तो यकीन मानिए कि आगे चल के वो और अच्छा बोलने लगेगा, वो भाषा की प्रैक्टिस कर रहा है, उसे बोलना आ गया है, सोचना समझना आ गया है, पर किस समय पे बोलना है वो अभी बच्चे को नहीं आया है। अभी बच्चे को इतना समझ में नहीं आता है कि जो दिमाग में चल रहा है वो दिमाग में ही सोचना है, बोलना नहीं है। तो बस आपको ये सब सिखाना होगा। अब देखिए, मैं अपना बताती हूँ, मेरी लड़की भी सेल्फ टॉक करती है, पहले बहुत ज़्यादा करती थी, अब करती है पर कम करती है। अब जो वो सेल्फ टॉक करती थी उससे बहुत ही उसको फ़ायदा हुआ, जो वो पहले सेल्फ टॉक करती थी वो अब लैंग्वेज में कन्वर्ट हो गई है। जैसे पहले मेरी लड़की स्कूल में कुछ हुआ तो उसका ऐसे बोलती रहती थी, क्यों गिराया से बाप ने परांठा, क्यों गिराया, पानी क्यों फैलाया आपने, ऐसे मतलब सेल्फ टॉक करती रहती थी। अब वो लैंग्वेज में कन्वर्ट हो गया, अब वो मुझे बोलती घर आके, मम्मी शिव ने पानी फैलाया था, मम्मी वेद ने परांठा फैला दिया था, उसका लंच बॉक्स गिर गया था। पहले वो ये सब जो है सेल्फ टॉक करती थी।
अब वो उसका सेल्फ टॉक है वो लैंग्वेज में कन्वर्ट हो गया है, अब वो मुझसे बोलती है। और कुछ कुछ तो वो अभी भी सेल्फ टॉक करती है, जैसे ट्यूशन या स्कूल में गई तो स्कूल में कोई बच्चा होमवर्क नहीं कर रहा होगा तो टीचर बोलती है क्यों नहीं किया आपने, एक झापड़ पड़ेगा, ऐसा वो सुन लेती है ट्यूशन में। और घर पे आके कभी कभी बोलने लगती है क्यों नहीं किया तुमने, झापड़ पड़ेगा खींच के, ऐसे वो बोलने लगती है। तो मैं समझ जाती हूँ कि स्कूल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ट्यूशन में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और कभी कभी वो बोलती है नहीं आपने रॉन्ग किया है, ये रॉन्ग है रॉन्ग। तो ये जो सेल्फ टॉक कर रही थी कि रॉन्ग है, उसे उसने लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया। मैंने उसके लिए कुछ होमवर्क दिया था तो वो लिख रही थी, लिखते लिखते उसने गलत लिख दिया तो बोलने लगी रॉन्ग है मम्मा मैंने रॉन्ग लिख दिया है। तो फिर मैं समझ गई कि ये जो सेल्फ टॉक कर रही थी ना, उसको इसने लैंग्वेज में डेवलप कर लिया है। तो बच्चे ऐसे ही करते हैं, कहीं भी कुछ भी होता है बोलते रहते हैं, सेल्फ टॉक करते रहते हैं, कुछ दिन बाद वो ही सेल्फ टॉक उनका लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपका बच्चा सेल्फ टॉक कर रहा है तो आप ये सोचिए कि आगे चल के उसको किस तरह से लैंग्वेज में कन्वर्ट करवाना है, और बच्चा कर भी लेगा लैंग्वेज में कन्वर्ट। देखिए अगर बच्चा बहुत ही ज़्यादा सेल्फ टॉक कर रहा है और आप इरिटेट हो रहे हो तो आप बच्चे को बीच में कुछ कुछ बोलते रहिए। अब ऐसे बच्चा कुछ खेल रहा है, कुछ कर रहा है, सेल्फ टॉक कर रहा है, हम भागे थे, हम डीमार्ट जाएंगे, हम ये लाएंगे, हम वो लाएंगे, बच्चा सेल्फ टॉक ऐसे कर रहा है अकेले बैठा है, तो आप उसको बोलो कब जाएंगे अपन डीमार्ट, और फिर उसको बोलो किसके साथ जाएंगे अपन, आप क्या क्या लाओगे, तो बच्चा बोलेगा ये लाएंगे। क्यों आपको क्यों चाहिए, ऐसे आप उससे बीच बीच में बोलते रहिए। बच्चा कुछ सेल्फ टॉक कर रहा है ना, तो बीच में आप बोलोगे तो उसका उस चीज़ में अटेंशन रहेगा, तो कन्वर्सेशन उसका लॉन्ग होता जाएगा, वो कन्वर्सेशन को होल्ड कर पाएगा बच्चा। अच्छा बहुत ही ज़्यादा सेल्फ टॉक कर रहा है तो आप उसे किसी एक्टिविटी में लगा सकते हैं और आप उसके साथ में बैठ सकते हैं। जैसे बच्चा पजल खेल रहा है, बच्चा बहुत सेल्फ टॉक कर रहा है, खुद से ही बातें कर रहा है, तो आप उसे किसी काम में लगा दें, पजल बनाने में लगा दें, ब्लॉक्स बनाने में आप लगा सकते हो, या फिर कुछ सॉर्टिंग करना, कुछ गेम खेलना, ऐसे आप लगा सकती हो ताकि वो सेल्फ टॉक ना कर पाए। ये बच्चा घर के बाहर सेल्फ टॉक कर रहा है तो क्या करे, क्योंकि घर के बाहर हम कहीं जाते हैं, बच्चा सेल्फ टॉक करेगा तो कोई क्या सोचेगा कि इनके बच्चे को क्या है, कुछ प्रॉब्लम है, खुद ही बड़बड़ा रहा है, सेल्फ टॉक कर रहा है। वैसे मेरी लड़की तो घर के बाहर जाती है तो कभी भी सेल्फ टॉक नहीं करती, घर पे ही अकेली होती है या कुछ खेल रही होती है तो सेल्फ टॉक करने लगती है। मेरी लड़की को पता है कि बाहर सेल्फ टॉक नहीं करना है, बाहर ऐसे नहीं बोलना है, घर पे ही बोलना है। तो आपको बच्चे को सिखाना होगा, अगर बाहर बच्चा आपका सेल्फ टॉक कर रहा है तो उसको चुप कर देना है, चुप चुप इधर नहीं बोलना है, क्या बोल रहे हो तुम, ऐसे बच्चे को वहाँ पे चुप कर देना है। पर घर पे सेल्फ टॉक कर रहा है तो करने देना है, क्योंकि उससे उसका आगे चल के लैंग्वेज भी डेवलप होने वाला है। बच्चा सेल्फ टॉक कर रहा है तो सेल्फ टॉक करने का आपको भी एक फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि देखिए आप अच्छे को पूछते हो स्कूल में क्या हुआ, ट्यूशन में क्या हुआ, बच्चा कुछ भी नहीं बताता है, और अब बच्चा घर पे आके सेल्फ टॉक करेगा, यानी कि स्कूल में जो बात हुई, बाहर जो भी बात हुई वो घर पे बोलेगा बच्चा, तो आपको पता भी चल जाता है कि स्कूल में क्या हुआ या ट्यूशन में क्या हुआ, तो आपको सब समझ आ जाता है कि क्या क्या हुआ। देखिए बच्चा जितना ज़्यादा घर पे सेल्फ टॉक करेगा उतना ज़्यादा उसकी लैंग्वेज डेवलप होती जाएगी, तो बच्चे को घर पे सेल्फ टॉक करने देना है और बीच बीच में आपको भी बोलते रहना है। अगर बच्चा ज़्यादा सेल्फ टॉक कर रहा है, अननेसेसरी सेल्फ टॉक कर रहा है, क्योंकि सेल्फ टॉक में कभी कभी बच्चा ऐसे ऐसे वर्ड भी बोल देता है जो बहुत ही कठिन होती है, वो बोल नहीं पाता है, तो इससे क्या है कि वो बोलना सीखेगा आगे चल के। नॉर्मल बच्चे भी सेल्फ टॉक करते हैं, खेलते खेलते सेल्फ टॉक करेंगे, या फिर बच्चे ऐसे बोलेंगे ये देखो मैंने कार चला दी, मैंने कार का पहिया घुमा दिया, मैंने कार वहाँ ले गया, ये देखो झूम झूम झूम, ऐसे करके भी बच्चे सेल्फ टॉक करते रहते खेलते टाइम भी, तो उसे इस टाइम पे नहीं रोकना। सेल्फ टॉक करने से बच्चा नए नए सेंटेंस बनाना सीखता है, नए नए वर्ड्स सीखता है, और बच्चा दिन ब दिन उसकी लैंग्वेज डेवलप होती जाती है। अगर आप बच्चे कुछ सिखाना चाहते हैं, कोई कठिन शब्द या सेंटेंस आप बताना चाहते हैं तो बच्चा नहीं बोल रहा है, पर सेल्फ टॉक में वो ज़रूर बोलता है, और बच्चा एक बार जो चीज़ें सेल्फ टॉक में बोलता है उसे अपने जीवन में वो यूज़ भी करता है। अब बच्चा कुछ भी सेल्फ टॉक कर रहा है ना
तो फिर उसको बाद में यूज़ भी करेगा। वैसे बच्चा सेल्फ टॉक कर रहा है कि मार जा रहा हूँ वहाँ पे, मैं ये लाऊंगा, मैं वो करूँगा, तो बच्चा फिर उसको लैंग्वेज में भी डेवलप करता है। फिर बच्चा ऐसे आपको बोलेगा, मम्मी मैं डी मार्ट जाऊँगा, मैं वहाँ से ये लूँगा, मैं वो लूँगा। तो ऐसे भी बच्चा जो सेल्फ टॉक है उसको लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लेता है। तो पेरेंट्स, सेल्फ टॉक बहुत ही ज़रूरी है बच्चे के लैंग्वेज के डेवलपमेंट के लिए। बस आपको ध्यान रखना होगा कि बहुत ज़्यादा सेल्फ टॉक ना हो जाए। बीच बीच में आपको कन्वर्सेशन करते रहना है बच्चे से, अगर ज़्यादा सेल्फ टॉक कर रहा है। और घर के बाहर भी आपको बच्चे को सेल्फ टॉक नहीं करने देना है। तो पेरेंट्स, आपको इस वीडियो के बारे में कुछ और पूछना है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकती हैं। अगर आपको कोई रिक्वेस्टेड वीडियो बनवाना है तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही।